सुबह से ही पूरा हो गया होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने मेहनत की होगी, और कितनी मेहनत की है उसका परिणाम आपके सामने अब आ जाएगा। तो यदि हम पृथ्वी को नहीं बचाएंगे, अपने पर्यावरण को नहीं, या सारे जितने तुम्हारा आग पानी उजाला जानवर पक्षी ये सब पर्यावरण की वजह से है। अगर इस पर्यावरण को कोई खराब कर रहा है तो वो मनुष्य है, आपने उसको बचाना है। आप कोशिश करिए, पेड़ पौधे लगाइए, जैसा कि भाई तुम तो था आपने आपको बताया, मैडम बता रही थी। तो ये आप सब लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इसको कैसे बचाना है, आप इसकी कैसे सुरक्षा कर सकते हैं, आप अपना प्रयास करिए। आप सब गांव के बच्चे होंगे, मैं जानता हूं ज्यादातर कि गांव में पानी ऐसे खाली जा रहा है, आप वहां कहिए कि भाई आपका पानी वेस्ट जा रहा है, वो किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। आप वहां जाकर के देखिए जहां केमिकल की फैक्ट्रियां लगी हुई है वहां फसल नहीं होती। तो वहां जो हमारी जमीन है, जो धरती है, वो खराब होती है, क्योंकि हमारा प्रदूषण जो है वो उसको प्रभावित कर रहा है। वही सेम आपके शरीर की कंडीशन, आप सुबह उठिए, और सबसे पहला नियम ये है बच्चों कि आप सुबह उठकर के अपना पानी जरूर पीजिए। ये आपकी दिनचर्या मैं बता रहा हूँ कि आपको कैसे जीवन जीना है। क्या तेल का बिखराव हुआ, और तेल के बिखराव से जो हमारी पृथ्वी थी वो उन्हें क्या है उसको पोल्यूट किया, तो तब 1970 से पृथ्वी दिवस मनाने का निर्णय लिया गया अमेरिका के सीनेटर गेरार्ड नेल्सन के द्वारा। हमें पृथ्वी को कैसे बचाना है, कैसे उसके आप अपना जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, कितना उसको बचाने के लिए, फैक्ट्रियों से निकला धुआं देखिए उसमें कार्बन का उत्सर्जन इतना बढ़ा है, जो हमारी प्राणवायु है वो बहुत कम होती जा रही है, जो दूसरी गैसें हैं ग्रीन हाउस गैसें हैं उनकी मात्रा काफ़ी बढ़ रही है, इससे ग्लोबल वार्मिंग एक भयानक कंडीशन उत्पन्न हुई है। ग्लोबल वार्मिंग से हमारे वातावरण का टेम्परेचर लगभग 50 वर्षों में 5 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग बढ़ चुका है प्रदूषण के कारण। तो पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, धरती को संरक्षित करने के लिए हम पृथ्वी दिवस मना रहे हैं। इसमें कितना हमें इन्वेस्ट करना है, देखिए ऐसा ग्रह है धरती माँ जिसको आप माँ के नाम से पुकारते हैं, ये हमें कितने प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराती है, कितने उपहार हमें संसाधन के रूप में देती है, इनकी कल्पना आप नहीं कर सकते। उसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत होता है, उसके स्थान पर जैसे आप CNG का यूज करते हैं तो उसमें कार्बन का उत्सर्जन 80% तक कम हो जाता है। जो ग्रीन हाउस गैसें हैं वो 40% तक 30 से 40% तक क्या है कम हो जाती हैं, जो सबसे ज़्यादा क्या है वातावरण को प्रभावित कर रही हैं। तो उसके लिए आप क्या क्या कदम उठाना चाहेंगे, पानी को पृथ्वी पर देखा होगा, पानी भी तीन रूपों में मिलता है, लिक्विड के फॉर्म में मिलता है, सोलिड के फॉर्म में मिलता है, गैस की फॉर्म में मिलता है। टू सेलिब्रेट द वर्ल्ड अर्थ डे, अर्थ सब जानते हैं आप लोग, इस पर हम लोग रहते हैं, तो क्यों इसकी नीड है, व्हाट इज द नीड, इसको सेलिब्रेट करने की नीड क्या है। नीड कोई भी हम डे सेलिब्रेट करते हैं उसका एक ही सबसे ज़्यादा उद्देश्य होता है। आप सभी यंग एज के लोग हो, आप अपनी बातें किसी को बताओगे, आप एजुकेटेड पर्सन हो, इसलिए हम ये डे को सेलिब्रेट करते हैं। और आई थिंक सभी बच्चे, हमारे बच्चे बहुत ही एक्टिव हैं और हर बार कई पॉल्यूशन डे मनाते हैं, कई सारी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो सारे बच्चे ही इस चीज़ से अवेयर हैं कि कैसे हमें अपने अर्थ को बचाना है, चाहे वो पॉल्यूशन के फॉर्म में हो, वाटर पॉल्यूशन हो, एयर पॉल्यूशन हो, तो सिंपली ये एक्टिविटीज़ दीज एक्टिविटीज़ हम लोग सेलिब्रेट करते हैं बिकॉज टू पास द इंफॉर्मेशन अमंग अवर सोसाइटी। आप आज घर जाएंगे, आप अपने किसी भी ऐसे पर्सन को बताएंगे कि हमने आज अर्थ डे सेलिब्रेट किया, नहीं वो आपसे पूछे कि क्या होता है, तो आप बताएंगे कि हमने इस डे को सेलिब्रेट करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ इम्पैक्ट उसके ऊपर आएगा।